नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल झटका टीवी में आपका स्वागत है। और आप यदि हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो समय समय पे पहुंचती रहे। तो आज अपने टॉपिक पे, जिसमें कि हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे एक टर्म टाइप किया जिसमें लिखा था मोदी क्रिमिनल, और मैंने देखा कि इस पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स जिस हैं या वीडियो हैं जिसमें मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय पर इस तरीके के टर्म यूज़ किए गए हैं। और उसमें से जो पहला मैंने वीडियो देखा है, जैसे मैं यहाँ पे ये वीडियो ऑन करता हूँ, इसमें आप देखते हैं तो उसमें क्या कहा गया, जरा इसको सुनिए। जब आप गूगल के सर्च इंजन पर टॉप 10 इंडियन क्रिमिनल्स लिखकर इमेजेस में जाएंगे और सर्च करेंगे तो पहली तस्वीर होगी भारत के वजीर आदम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में ही, पहला ही इस न्यूज चैनल का है कोई वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप गूगल सर्च पे अगर टॉप मोस्ट चैनल क्रिमिनल ऑफ इंडिया अगर टाइप करते हैं तो पहले मोदी जी का बात आता है। और आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। लगाना झटका, भारत में भी जब लोगों को झटका लगा तो फेसबुक और ट्विटर पर बहस छिड़ गई। एक साहब ने तो लिखा कि टॉप 10 क्रिमिनल्स में नाम आने पर कहीं नेताजी खुद को आलमी सतह का लीडर ना समझने लगे। तो इसी को मैंने देखा और मेरे मन में विचार आया कि क्या ये वीडियो वास्तव में सही बता रहा है। तो मैं भी अपने गूगल सर्च पे गया और मैंने वहां पे टाइप किया टॉप 10 क्रिमिनल इन इंडिया और मैंने सर्च पे क्लिक किया है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से सर्च पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुरू से इससे रिलेटेड मैसेज आ रहा है। और इमेज में मैं जब जाता हूँ तो सही बात है, यहाँ पे कुछ पीज इमेजेस में मोदी जी की तस्वीरें हैं, पर इन तस्वीरों को कोई भी कहीं से भी अपलोड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब मैंने देखा top10dailynews.com में का विजिट है, उसमें मैं अगर इसके इस पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये पेज पे गया तो जैसा ये पेज थोड़ा खुलने में समय लग रहा है नेट कनेक्टिविटी में। जैसे मैं अपने ये पेज आप जो पढ़ रहे हैं ये टॉप 10 डेली न्यूज, और ये किसका है आप देख सकते हैं, ये डेली न्यूज का कोई वेबसाइट है टॉप 10 डेली न्यूज, उस पर यह दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रिमिनल्स जो वर्ल्ड टॉप मोस्ट क्रिमिनल है उनमें सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का तस्वीर है और इसके विषय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसा कि आप टॉप मोस्ट की अगर हम आ जाते हैं तो सबसे नीचे दिया हुआ है टॉप मोस्ट जैकलिन गुजमैन, दाऊद इब्राहिम, पेड्रो फिल्सन खाबू, इसी तरह ये बहुत सारे लोग का दिया हुआ। लेकिन इस तस्वीर में, इस पिक्चर में जो इनकी तस्वीर यूज की गई है वो एक फेक तरीके से यूज किया है ताकि पब्लिसिटी हो सके, लोग इनको देख करके इसको इस वेबसाइट को देखें और इस आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करें। बेसिकली ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यूज किया, मिस गाइड करने के लिए, लोग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि इससे इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और अभी तक ऐसा कोई एक्टिविटी ये अभी तक कोई सामने आया भी नहीं जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी को कोई गलत सिद्ध कर सके। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो अभी आपने देखी थी वो एक तरीके से फेक है और एक गलत तरीका है इस तरीके से मिसगाइड करने का व्यूअर्स को और देश की जनता को। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहेंगे ताकि हम आप तक सच्चाई से जुड़ी हुई चीज़ें लाएं ताकि आप लोग फेक न्यूज़ से बच सकें। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।